देखिए मुंह जुटावल जा रहा है मड़वा पर चूड़ा दही और चीनी से, सब समधी मिलके मुंह जुटा रहे हैं। ये जो है नया समधी पापा के, छोटका पा, संझला पा, महिला पा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नया ब्लॉग में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए हम लोग का भी पार्टी हो रहा है, पार्टी हो रहा है, पार्टी ये भैया देखिए इधर आएगा, बराती आएगा आज घर में, तो उसी के तैयारी हो रहा है। इधर देखिए आलू उलू कटा रहा है सब, अभी आटा लेके आए हैं, तीन बोरा इतना बनेगा, इतना का एस्टीमेट है हम लोग के, तो पूरा वीडियो में बने रहिए और देखिए कैसे कैसे बराती तक पहुंचते हैं हम लोग। देखिए कटा रहा है रतोवा के लिए, नहीं मिस्त्री जी क्या बनाइएगा उसको, रतोवा बनेगा देखिए कद्दू के। राजू जी देखिए गिलास से छील रहे हैं कदुआ। देखिए घर का मिस्त्री है सातो, और सातो बना रहा है अभी झरुआ नाश्ता के लिए, देखिए डाल दिया उसको तेल में अभी, और देखिए एक घानी हो गया। देखिए एक घानी निकल गया है, और थोड़ा बाकी है बनाने के लिए। देखिए जल्दी जल्दी कद्दू हम भी काट रहे हैं, साथ में मेहनत कर रहे हैं। देखिए दूसरा घानी फोटो भी निकाल रहे हैं अभी, देखिए ये भी कंप्लीट हो गया है, और थोड़ा साथो निकाल के रखा है उसमें डलिया में, इस सब झरुआ जो है नाश्ता में जाने वाला है। देखिए छोटी बाबा की सेवा कर रहा है अभी, सब काज में फंसा हुआ है, तो ये तेल पानी बाबा को दे रहा है। हम लोग आ गए हैं इधर घूमने के लिए, देखिए कितना सुहाना जगह है इधर, पूरा गाछ वृक्ष और ये दरगाह है। देखिए आलू छील रहे हैं हम लोग अभी, इतना आदमी, बहुत आदमी हम लोग अभी काम करने वाले, घर भी आलू छिला रहा है, कुछ काम हो रहा है, कचौड़ी वाला भी मिस्त्री जी देखे उधर लगे हुए हैं, कचौड़ी वाला मिस्त्री जी हाँ रिकॉर्ड खराब कर दीजिएगा इसे। देखिए यही बच्चा बैगन बोला था जो वायरल हो गया है, यही बच्चा सबसे फास्ट में बैगन बोला था। देखिए दोस्तों माय बेटी सब तैयार हो, कहाँ जा रहा है छोटी, दापूजी होगा। देखिए नाश्ता पैकिंग के कार्य अभी पूरा जोर शोर से चल रहा है, इधर देखिए इतना नाश्ता अभी डला रहा है, और अभी बाकी भी है 100-150 नाश्ता के बनाना है। देखिए इधर झरमा वाला काम हो गया, नाश्ता वाला पूरी का तैयारी चल रहा है, देखिए आटा सना रहा है, इसका जितना प्रक्रिया है जिसका काम पूरा होगा फिर हम लोग पूरी बनाएंगे। और देखिए दोस्तों अभी नाश्ता पैक हो रहा है, देखो इधर रसगुल्ला में, इधर झरुआ है, इधर लिट्टी है, इधर देखिए चाचा क्या कर रहे हैं। हाँ देखिए इधर संजला पा है, देखिए अभी सबसे बिजी टाइम है, सब आदमी व्यस्त दिखेगा आपको, सबके दिमाग अभी बहुत स्पीड में काम चल रहा है। छोड़ दो
देखिए अभी गांव वाला के खाना खिलाया जा रहा है, पूरा गांव अभी खाएगा, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम इधर शादी के चालू करेंगे। पहले इसको निमा लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए कुछ आदमी खा रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, कुछ खड़ा है जहाँ तहाँ। देखिए फ्रेंड्स अभी गांव वाला के तो हम लोग खिला दिए मोटा मोटी जितना काम था, और अभी हम लोग मड़वा देखिए, मड़वा के काम अभी चल रहा है, थोड़ा सजा उजा देते हैं फूल पत्ती से। अभी कुटुम आया नहीं है बराती वाला। तो देखिए दोस्तों बिल्लू खा रहा है अभी। काम कर रहे मड़वा, देखिए अभी खाना खा रहे हैं, और सब काम खत्म हो गया लगभग में। देखिए अतीश पीछे बैठा है और देखिए खाना खा रहा है ये, और हम तो खा चुके हैं। देखिए पत्तल खाली मेरा हो गया, इधर बिल्लू देखिए खा रहा है। देखिए मड़वा के काम चालू कर रहे हैं, और भिड़ारी होगा, कलश स्थापना होगा, हो रहा है अभी, हम लोग रखेंगे कलश। देखिए पवन सूद हनुमान की जय, जय रामचंद्र भगवान की जय। गाते दालाजी पापा आवे बारी आतिया। देखिए मैया कल्ले गीत गा रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। आजा सुनाए तेरे तीगे सबेगे माए माँ देवा विद्या बलम देव बलम तदेवा लक्ष्मी पदे दुर्गा विद्या। हम तो डेली माइक पर बोल रहे हैं। सवासिन पटवासी बांध रहा है ये। हाँ ये कर कुटुम आए हैं जितने विवाह में, तो कम से कम मावा पर बैठिए, और हल्दी कलश में देखते हुए गिरधारी देखते हुए विवाह में संपन्न के। हाँ हम लोग कुटुम लोग आए हैं भाई, तो विवाह तक रहे इसलिए। देखिए हल्दी कलश हो रहा है, हल्दी चढ़ा रहे हैं, और मेरा साली जी देखिए रंग ला रहे हैं पीछे। ये हम लोग का रिवाज है ऐसा, तो ऐसा ही होता है। के फ्रेंड हल्दी कलश चढ़ा लिए हम लोग, अब अभी चढ़ रहा है, हम चढ़ा लिए हैं। देखिए पूरा लेटा भी गए, देखिए अति से भी चढ़ाएगा। देखिए महिला भैया चढ़ा रहे हैं हल्दी कलश, इनको भी देखिए रंग। देखिए पुतैया, हाँ देखिए अति इसका नंबर आ गया है, अतीश भी चढ़ा रहा है, लेकिन इसको कोई रंग दे नहीं रहा है, भाई बेटा है घर के इसके लिए। हाँ तो देखिए दोस्तों नहा धो के पहन लिए कपड़ा लत्ता, और कुटुम के लिए देखिए पूरी बना रहे हैं हम लोग, और हल्दी कलश हो गया है। देखिए इतना आदमी हम लोग, देखिए छोटे उधर खड़ा है, और इतना आदमी हम लोग अभी पूरी एकदम। धीरज हाय बोल रहा है दोस्तों, संधि मिलन करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। देखिए ढोल वाला आगे जा रहा है, उधर बराती वाला के माला रखे हुए संदेश बनाने के लिए, और भैया शादी मिलाएंगे हम लोग। देखिए पंडित जी अभी मंत्र पढ़ रहे हैं, और मंत्र पढ़ने के साथ साथ ही संदेश मिलन होगा। देखिए गले लग के और माला पहना के जो भी खाना रहता है, जो पंडित खाता है उसको थोड़ा नाम होता है। देखिए कौन उठाता है, विजय घोषित हो गई।
देखे समझे मिलन संपन्न हो गया हम लोग को सब। आप देखे माला पहनावा पहना भी कर लिए हैं। यहाँ से जाएंगे हम लोग लड़का गोद लगने के लिए जाएगा बाबा जी में गाँव के। उसका बाद कुटुब दरवाजा लग गया है और लड़के देखिए जय माला के लिए लड़के स्टेज पर आ गए जय माला के लिए। गोद लगा लड़का के और माला पहनाया और लड़की के लड़का भी माला पहनाया दोनों वर पत्नी। और देखिए इतना बराती वाला और सराती वाला सब मिलके देख रहा है इधर और फोटो भी खिंचा रहा है। इतना आदमी अभी प्रेजेंट में है हम लोग। इधर लेडीज पात्र है और देखिए इधर संपन्न हो गया है जय माला। देखिए फूल लड़का दे रहा है हाथ में और हम लोग देखिए धुआ पानी लेके जन्म मासा पर जा रहे हैं अठमंगरा करने के लिए। देखिए घाड़ा लिए हुए ठाकुर जी है नौआ, उसी का काम है ले जाना इसका। यही बात संवाद करते हैं लड़का वाला से, कुछ कहने के रहता है वही कह के फिर रख दिया जाता है घाड़ा। और थोड़ा क्रियाक्रम और है। देखिए लड़की के भाई लड़का के हाथ पर वस्त्र दान कर रहा है, हाथ पर रखेगा, उसके बाद वही कपड़ा पहन के शादी पर बैठना है। और पांच आदमी देखिए तिलक लगाना आशीर्वाद ही देना है। देखे पंडित जी मंत्र बोल करके सबको बांध रहे। आठ आदमी होता है सब मिला के लड़का लेकर के और धान कूटेगा वही चावल निकाल के उसको बांधेगा वही चावल। शायद कहीं लगता है हमको तो उतना मालूम नहीं है लेकिन जहाँ तक मालूम है बता रहे हैं। अब देखे धान कुटा रहा है, एक हाथ से चावल निकालना है पांच। और इसमें दूध शादी वाला नहीं होना चाहिए, आदमी शादी शुदा होना चाहिए। और किसी के बीवी मर गया रड़ुआ भी होना नहीं चाहिए, इतना नियम है इस कार्य में। पचपच को निकालिए फटाफट, हम मुंह से नहीं फूकिए जुटका टार हो जाएगा। हाथ नहीं लगाना है, कलाकारी देखा जाएगा भाई की एक बग्गा है कि नहीं देते हैं। आप चाहो अच्छा गति वाला ग्रह जो कमजोर रखें कि नहीं इनका चुनाई थे। हाँ उनका ले माप उनको भी मगर इतना पैसा लगते था वो चावल चुन के देते। देखिए धान कुटा गया और चावल भी चुन के दे दिया है कुटुम्ब। पंडित जी उसका देख रहे हैं सिस्टम। देखिए लड़का दरवाजा लग गया है और पीछे भाड़ा वाला खड़ा है। देखिए गर्ल्स शिकाय का रस्म हो रहा है। ये कौन है, दादी है, दादी गाल सेक रहा है। ये देखिए छोटी सेक रहा है और चार पांच आदमी छह आदमी जितना भी लेडीज रहती है माय दाखिल मामा माय चाची मौसी सब गाल सेक सकता है, बड़ा बहन। देखिए सब वही अभी रस्म चल रहा है, उसका बाद जाके मड़वा पर बैठेंगे दूल्हा और शादी का रीति रिवाज जो भी होता है वो पंडित जी के द्वारा किया जाएगा। सुत्ता लखी दोनों नियम फॉलो कर रहे हैं। चले डालिए उनको, डाल दे
ओम हरि ओम महा ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेवा तारा बलम चंद्र बलम तदेवा विद्या बलम देव बलम तदेवा लक्ष्मी पद देव श्राम श्रद्धा वृंदावन एक बार आओ लीजिए। देखिए लड़की दान हो रहा है पापा जी के जान पर बैठ के लड़की दान किया जाता है, तो पापा दान कर रहे हैं लड़की के। करूं पापा छतिया पाटला हो देखे बिल्लू साफ पानी ढार रहा है, ढार दिया बिल्लू। अभी देखिए सनला भैया का नंबर आ गया, सब नंबर सुखरा कुमार से संग पानी डाल रहे हैं। इसमें कुछ दे के डाला जाता है, पैसा कपड़ा सोना जेवर जो भी है, और यहाँ पर रजिस्टर क्योंकि हम डाल रहे हैं। अभी कैमरा मैन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, दिख नहीं रहा। इसमें जो है कि देखिए इतना थाली स्टील के है, उतना कासा के है, और जेवर भी है, और देखिए लावा छिटाई का काम जो हो रहा है, लावा छिटवा रहा है। अभी हाथ छिटता है लावा, और जितना भी भाई रहेगा लावा छिट सकता है। सुनिए साड़ी आ जाओ सबके। देखिए जेवर चढ़ा रहा है कुटुम्ब, सोना के देखिए जेवर है, पांच खंडा, एक खंडा चांदी का है, तो तीन चार खंडा मतलब कि यहाँ प्रेजेंट में है, और एक आध खंडा रहता है बाद में कुछ रस्म होता है तो उसमें दिया जाता है। तो अभी देख सकते हैं पांच खंडा यहाँ पर प्रेजेंट है, एक खंडा बाद में दिया जाता है। देखिए यही है, भैंसुर है लड़की के, देखिए शादी संपन्न हो गया, सिंदूर दान भी हो गया है, थोड़ा और रस्म बाकी है, ज्यादा नहीं है। तो देखिए अभी लोग मुँह दिखाई का रस्म चल रहा है मड़वा पर, जितना भी बराती वाले हैं वो पैसा देके देखे। शादी का लास्ट मंत्र है सुमंगली, सुमंगली जो है की करवा रहे हैं पंडित जी, इसमें नौ सब झाप के रखता है, नियम ऐसा रहता कलश के पानी पड़ने से नौ सड़ जाता है, ऐसा पंडित जी बताते हैं। तो पहले बार दिन दे दिया जाता है सब आदमी के, उसके बाद सुमंगली करते हैं। देखिए सुमंगली हो रहा है, मामा रो रही है इधर बैठ करके, सबका चेहरा पर मालिश है। शादी पूर्ण रूप से संपन्न हो गया है, आशीष खड़ा है इधर। एक बार मंडप खिला देंगे, ओम हरि ओम महा। अब देखिए जितना औरत है जो चुमा के आशीर्वादी दे रहे हैं, तब वही लास्ट फंक्शन है, इसके बाद कुछ कार्यक्रम शादी होने के बाद भी होता है तो होगा। अभी चुमा उमा के नीचे जाएगा। देखिए अब मड़वा पर के विजय होगा, समधी साथ में खाना खाएगा। देखिए मुंह जुटावल जा रहा है मड़वा पर, चूड़ा दही और चीनी से सब समधी मिलके मुंह जुटा रहे हैं। ये जो है नया समधी पापा के, छोटका पा, संझला पा, आई महिला पा हो जाए। चलिए हो गया मुंह जुठावल।
समझी के देखिए मिलन हो गया एकदम पूर्ण तरीका से, खाना पीना सब साथ हो गया। अब हम लोग के यही मड़वा तक के लास्ट समझी के साथ में तुम नीचे जा। ये भी हम लोग पूरा कर दिए हैं, बन गल है। आगे देखिए टुनटुन लाइव कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए कोहवर में कौड़ी खेला जाता है, यहाँ पे वही रस्म चल रहा है अभी। तो ठीक है दोस्तों, देखिए शादी संपन्न हो गया, कुटुंब भी विदा हो गया। तो आज का ब्लॉग इतना है, अगला ब्लॉग में मिलते हैं। जब तक ले जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।